कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने स्वच्छ भारत अभियान के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि शौचालय निर्माण का 70-80% पैसे का भुगतान लोगों को नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने शौचालय का निर्माण किया है उन लोगों ने कर्ज लेकर ये पैसा उठाया है, परंतु इनका भुगतान न होने के कारण स्वच्छता अभियान एक जुमला साबित हो रहा है। खड़ी करेंगे हम और क्या करेंगे, सारे झूठ के पुलंदे। 5 साल जो है कुछ नहीं करके दिया, जो है हरियाणा को जो है आग के अंदर झुलसा दिया, सारा बेरोजगारी का आलम कर दिया, कानून व्यवस्था ठप कर दी, सारा कुछ जो है किसान बर्बाद कर दिया, नौजवान महंगाई इतनी कर दी। मुद्दे क्या मैं कहती हूँ, ये तो ऐसा हाल कर दिया कि आदमी लोग बोलते हैं जी अब हम बोले क्या, इतने सारी चीजें होगी ये हालात होंगे। मिले भी थे तकरीबन 15 सालों से रेगुलर काम भी कर रहे हैं, लेकिन रेगुलराइजेशन की कुर्सी आमतौर पर इलेक्शन के पास पास बनती है लेकिन बनाई नहीं जा रही। तो क्या मैं कल वहाँ पे बात कह के आई थी कि जो जायज डिमांड है उनकी मैं विधानसभा के अंदर रेज करूंगी, और जो जायज उनकी डिमांड है वो करनी भी चाहिए सरकार को। जी उपचुनाव के दौरान दो बड़े नेता मिले थे, वो एक दूसरे का काटा काट रहे थे, तो काटे नहीं तो भी वो तो उनसे ही पूछ लियो भाई, मेरे से क्यों पूछो, मन्ने तो मेरा नहीं, हमने तो क्या कहते हैं सारी जगह फूल दिखते हैं, कोई कांटे नहीं। इनेलो और बीजेपी का गठबंधन सामने आ रही है। शुरू से कहा है मैंने, तो देखो वो मेरे जो बात कही हुई है वो सामने आ गई, शुरू से बोलती आ रही थी मैं ये बी टीम है, ये सारे के सारे नीचे नीचे, इनको फायदा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी कार्रवाई, बाद में ये सारे न्यारे न्यारे होके चाहे एक दूसरे को गाल कर लें कुछ कर लें, बाद में सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सो इसलिए जनता को सतर्क हो जाना चाहिए कि विपक्ष जो है और काम करने वाली पार्टी है वो केवल कांग्रेस है, और जो नीतियां लेकर आती है और जो लोगों के समस्याएं और कहते मुश्किलों को आगे जहन में रखते हुए हर एक छत्तीस बिरादरी की पार्टी, कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं है। और अगर ना सपना करवाना है तो फिर ये लोग तो हाजिर रहेंगे। आज जो इन्होंने प्रॉमिस करा था वन रैंक वन पेंशन, वो तो आज तक अधर में अटकी हुई है। सारे के सारे जो हमारे फौजी भाई हैं धरना स्थल जो है जंतर मंतर के ऊपर अभी तक बैठे हुए हैं, खूब चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, उनकी मोदी जी ने एक नहीं सुनी। अब जो है कुरुक्षेत्र की जो धर्मनगरी में आके जो ये बात करी है ना, तो भाई धर्मनगरी है वो, और वहां से इनका झूठ की जो पड़ते है ना वो सारी की सारी अच्छी तरह से खुलेंगी। तो जैसे मैंने कहा स्वच्छ भारत की बात और महिलाओं की बात इन्होंने जो करी, टॉयलेट्स जो कहते हैं हमने सारे बना दिए, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से कि हमारे टॉयलेट्स बन गए, पहली बात तो ये है कि उनके एक तो पैसे नहीं आए जो हमारे शौचालय गांव गांव के अंदर बने। मेरे पास इतने सारे आवेदन हर एक गाँव से है, मैंने पूरे दौरे करे हैं, मेरे ख्याल में 70-80% जो है अभी तक उन शौचालयों के पैसे जो हैं वो नहीं दिए गए। कई कई जगह लोगों ने मुझे कहा कि हम अपना जो है कर्जा लेकर हमने शौचालय बनाए, कई जगह सरपंच ने कहा जी मैंने अपनी जेब से निकाल के बनाए, लेकिन आज तक जो है वो भरपाई पूरी नहीं करी गई। और दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, आप स्वच्छता की इतनी बड़ी बात करते हैं, स्वच्छता शुरू कैसे होएगी? हमारा जो टॉयलेट्स हैं उसके अंदर पानी नहीं है, पानी का प्रावधान ही नहीं है, पानी हमारे पास आ नहीं रहा, लोग अभी भी जो है लोटे ले लेके बाहर जाने में मजबूर हैं। तो ये क्या मतलब इतना जबरदस्त कहते हैं, इस तरह की झूठ बोलना कोई अच्छा शोभा देता है क्या? सच्ची बात है,